गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वंदे शुकदातंतपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। आचार्य जी कहते हैं कि यस्य पुनः निशाइव अविद्यामात्रं इदं सर्वं भेदजातं इति ज्ञानं तस्य आत्मज्ञस्य सर्वकर्मसन्यासे एव अधिकारः न प्रवृत्तौ। तो उस तरह का जो ज्ञानी है, इस तरह का सारा यह पुनः निशाइव अविद्यामात्रं इदं सर्वं भेदजातं, ये सारा दृश्य प्रपंच जो है, भेदान्वित प्रपंच जो है, वह सारा प्रपंच, सारा दृश्य, सारा जगत अविद्यामात्रं कल्पितम एव, इस तरह का ज्ञान जिसके अंतःकरण में माने जिसमें होता है आत्मज्ञस्य, उस तरह का आत्मज्ञान के लिए, वह आत्मज्ञान के लिए सर्वकर्म संन्यासे एव प्रवृत्तः अधिकारः न प्रवृत्तौ। सर्वकर्म संन्यास में ही उनकी उनकी अधिकारित्व है, वो अधिकारी है सिर्फ संन्यास के लिए, न कर्म में प्रवृत्ति के लिए, प्रवृत्ति के लिए नहीं है। ठीक है। तथा च दर्शयिष्यति तद्बुद्धयः सदात्मानः इत्यादिना ज्ञाननिष्ठायाम् एव तस्य अधिकारम्। यही बात भगवद्गीता में कही गई कि तद्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्ति अपनरावृत्तं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। वहीं पे भी ज्ञान का ही ज्ञाननिष्ठायाम् एव तस्य अधिकारम्, वहाँ पे दिखाया कि सन्यासी का उनका अधिकारित्व कहाँ पर है, किस में है, सिर्फ सन्यास में ही, वह सन्यास के लिए ही अधिकारी है। माने अधिकारी, तुम अधिकारी बन गया तो जबरदस्त सन्यास लो, ऐसा नहीं। माने उनकी रुचि, स्वाभाविक रुचि जो है सब कुछ छोड़ने में, त्यागने में, निस्संग होकर व्यवहार करने में उनकी रुचि है। ठीक है। अब एक प्रश्न उठाया जाता, अभी देखिए तो, हाँ, पूर्व पक्षी का प्रश्न, तत्रापि प्रवर्तक प्रमाण अभावे प्रवृत्ति ही अनुपपत्ति ही इति चेत, यह प्रश्न है। तत्रापि, तत्रापि माने इस विषय में भी, इस विषय में मावे आपने जो बताया, अब ध्यान से सुनिए कि आपने जो बताया कौन सा है सिद्धांत, जब अविद्या प्रमाण माने अविद्या में ही सभी प्रमाण को मानकर, अविद्या स्थिति में जितने प्रमाण हैं उसको मानकर व्यवहार करने से और आपको ये प्रवृत्ति हो गया, उस अविद्या प्रमाण को न स्वीकार करने से क्या हुआ, आपकी जो स्थिति जो है अधिकारी बन गया, माने सब कुछ छोड़ने में, त्यागने में आपका, आपकी अधिकारित्व उसमें हो गया और ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति होगी,
ऐसा तरह के आपने जो बताया तो ठीक है, मगर तत्र अपि वहाँ पे भी इस तरह का आपने जो बताया वहाँ पे भी, तो प्रवर्तक प्रमाण अभावे प्रवृत्ति ही प्रवृत्ति अनुपत्ति ही इति चेत। देखिए ये क्या है, देखिए प्रमाण माने क्या है बताया आपको, प्रमाकरणम प्रमा, कोई प्रमाण चाहिए। प्रमाण माने प्रमाण का अर्थ क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट समझो आप। आपको ये दृश्य देखा आप तो इसका प्रमाण क्या है, आंख। कुछ आपने सुन ली, प्रमाण क्या है, कान। माने प्रमाण के बिना किसी भी व्यक्ति को कभी भी किसी भी अवस्था में ज्ञान होना असंभव। देखिए तो अब क्या हुआ, प्रमाण में माने सुनने में कान जो है प्रवर्तक बन गया है ना, प्रवर्तक प्रमाण, और देखने में आंख प्रमाण है, और आंख दो प्रवर्तक बन गया। माने आपको कोई प्रमाण चाहिए, प्रवर्तक प्रमाण। तो यहां पे प्रवर्तक प्रमाण अभावे प्रवृत्ति प्रवृत्ति अनुपपत्ति ही इति चेत। अब आत्मज्ञान निष्ठा में तत्ववेत्ता को, खास करके ज्ञानी को, हाँ प्रवृत्ति ही अनुपपत्ति इति चेत। माने देखिए प्रमाण का अभाव होने से माने कोई प्रमाण नहीं रहता, तो प्रवृत्ति देखिए, क्योंकि ज्ञान में भी आपको ज्ञान स्वीकार करना चाहिए आपको, तो ज्ञान में भी कोई प्रवर्तक प्रमाण चाहिए। आप ज्ञान स्वीकार करना चाहते हैं तो आपको ज्ञान, ज्ञान की स्वीकार में, उसकी स्वीकारता में, स्वीकार में, प्राप्ति में आपका प्रमाण क्या है। आप सभी प्रमाणों को अविद्या में भी आप डाल दिया तो आप अपने आप को जानने के लिए कोई प्रमाण नहीं रहता। तो इसीलिए तो पहले यह बताया गया कि जब अविद्या प्रमाण को, अविद्या प्रमाण को स्वीकार नहीं करने से आपने क्या बताया, सारा कर्म का नाश हो जाता है कि नहीं। अविद्या प्रमाण को बताया, देखो पीछे से पहले, न अप्रमाण बुद्धिया गृह्यमाणाया कर्म हेतुत्व उपपत्ति ही, तो कर्म का हेतु नहीं बनता, क्योंकि सारा का सारा जो प्रमाण है अविद्या प्रमाण को स्वीकार कर लिया, माने सारा प्रमाण अविद्या ही है, तो फिर कर्म कोई नहीं रह जाता, ऐसा करके हमने देखा है कि नहीं। अच्छा, इस मतलब क्या है, ज्ञानी का कर्म के साथ संबंध जो है वो टूट जाता है, क्योंकि सारा ये सब अविद्या प्रपंच है, अविद्या जगत है, तो उसमें जो भी प्रमाण आपको मिलता है सबको अविद्या के साथ त्याग दिया, अविद्या प्रपंच त्याग दिया, तो फिर आपका संबंध किससे रह जाता है, सारा कर्म के साथ टूट गया और सभी सिर्फ आत्मा का सहित रह जाता संबंध। यहां पर परंतु इसमें क्या हुआ, ज्ञान प्राप्ति के लिए भी कोई प्रमाण चाहिए, कोने ज्ञान में भी प्रमाण प्रवर्तक क्या है। अब देखिए, देखिए कुछ चीज आपको, आप कुछ ने देखा है, कुछ दूर से कुछ देखा वस्तु को, ये क्या है उसकी जानकारी के लिए आपको प्रवर्तक प्रमाण चाहिए कि नहीं, है ना। कभी कभी क्या है प्रवर्तक प्रमाण, तो वो चीज है, चलो देख ली तो एक तो लिया, कोई प्रमाण चाहिए कि जानने के लिए, आंख है और आंख के द्वारा, और आंख ही प्रमाण, उसी प्रमाण को आप मजबूत बनाने के लिए, यही आंख को प्रबल प्रमाण बनाने के लिए नजदीक जाकर आप देखते हैं एक वस्तु को, और देखने के बाद भी आपकी ज्ञान, आपका ज्ञान नहीं हुआ वस्तु का, देख तो लिया मगर आपका तो उस देखने के बाद, वस्तु को देखने के बाद आपको ऐसा लगा कि ये आंख से ही सिर्फ जानने योग्य वस्तु नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, ऐसे जैसे कि आपने एक फूल को देखा, दूर से देखा एक गुलाब को, गुलाब, एक गुलाब सही है या नकली है आपको कैसे पता लगे, तो बोल के चलो ठीक है वो तो गुलाब जैसा दिख रहा है, वो क्या है, दूर से गुलाब जैसी है तो क्या है वो गुलाब ही है या नहीं है। अब ये आंख जो है आपको प्रमाण प्रवर्तक बन गया, प्रवर्तक माने आपको प्रचोदन करके आपको वहां तक ले जाने वाले प्रेरक, सरल भाषा में। तो ज्ञान के लिए कोई प्रेरक चाहिए, माने प्रेरक माने यहां पे आंख देख लिया, आंख ही प्रमाण,
तो आपने क्या कहा, क्या किया आपने, दूर से देखा वह गुलाब है या नहीं? तो बोला कि ठीक है गुलाब जैसी है, देखते हैं गुलाब है या नहीं। तो पास में चला गया, उसमें क्या प्रवर्तक, एक इंद्रिय प्रवर्तक बन गया, प्रमाण बन गया। मियते, अच्छा ठीक है देख लिया। अब वहां जाने के बाद तो फर्स्ट नजदीक पहुंच गया, अब तो देख लिया ये तो गुलाब ही है, आंख के द्वारा देख लिया, और फिर भी आपका मन में ये संशय हुआ कि ये सही है या नकली है, तो फिर आप क्या करोगे, दूसरा प्रमाण लाएंगे। क्या प्रमाण है? खुशबू, समझो कि नजदीक जाके नाक आपके उस पर बिठा दी, नाक को नहीं बिठाया, अच्छा मैं मस्ती कर रहा हूं, तो नाक के पास जाके नाक झुककर आप उसका सूझ लेंगे कि क्या है, कोई फ्रैग्रेंस है कि नहीं, कोई गंध सुगंध है कि नहीं। तो आप नजदीक चला गया, आपको यह अनुभव हुआ कि अरे वाह ये तो गुलाब ही है, गुलाब का जो सुगंध है मैंने इससे पहले अनुभव करके रखा है जीवन में, वही अनुभव मेरे स्मृति में पड़ी है, और उस स्मृति के द्वारा अब मुझे ये पहचान में आया कि यह गुलाब ही है। अब यह भी तो दो प्रमाण लाया आपने, ये क्या है करके वस्तु की जानकारी में, ये ज्ञान है कि नहीं, ज्ञान होते जा रहा है आपका। अच्छा फिर भी इसमें भी थोड़ा आपके मन में संशय हो सकता है कि ये सुगंध क्या ये तो सही सुगंध है, माने या कोई रंग या कोई बनाया गया सुगंध जो उस पर स्प्रे करके डाल के, जैसे एक सुगंध द्रव्य जो भी है, सुगंध द्रव्य को डाल दिया और डालने से वही सुगंध आएगा आता है, तो ये क्या है, ये गुलाब है ही नहीं सही में, सुगंध तो आ रहा है गुलाब की सुगंध, तो आप क्या करोगे स्पर्श करके देखोगे। देखिए अब देखिए, पहले देख लिया दूर से, संशय हुआ, नजदीक पहुंच गया, फिर आपको फिर निश्चय कर लिया कि गुलाब है, फिर भी आप झुक कर सूख दिया तो फिर सुगंध आया, तो आपको पता लगा कि गुलाब ही है, फिर भी आपको प्रबल प्रमाण चाहिए, तो स्पर्श करके देखा कि ये गुलाब है कि नहीं, तो तब पकड़ने के बाद, हाथ में लेने के बाद आपको ये पता लग गया कि ये गुलाब है। माने ये सारे प्रमाण में, माने प्रमाण के बिना ज्ञान होना असंभव। अच्छा ये हो गया बात, तो आपने क्या कहा कि सारे जितने भी प्रमाण है सभी सारे प्रमाण अविद्या में ही है, ठीक है, मुझको समझना है बहुत कठिन नहीं है, समझाना कठिन है, सारे प्रमाण जो है आपने इन सारे प्रमाणों को किस पर बिठा दिया, किस में बिठा दिया, अविद्या अवस्था में ही बिठा दिया, अविद्या में बिठा दिया। तो जब भी आपने क्या कहा ज्ञान के बाद फिर माने, तो ये सारा अविद्या करके ये सारे प्रमाण अविद्या प्रमाण ही है, इसलिए मैं त्याग दिया हूं, त्याग देता हूं, ऐसा करके आप त्याग दिया तो फिर आत्मज्ञान में कोई प्रमाण नहीं रह जाता, ये प्रश्न है। और कौन सा है प्रमाण है आपके पास, तो आपको जानने में, तो इसीलिए क्या है ज्ञान प्राप्ति के लिए भी कोई प्रमाण चाहिए, तो जब इसके लिए कोई प्रमाण नहीं रह जाता तब ज्ञान के विषय में यह कैसा संभव है। आपकी मेहरबानी से मेरी हिंदी बढ़ रही है, अभी आज का भी 2 साल में कविता, एक कवि बनूंगा कवि आपको रुलाने के लिए। चलो ठीक है, जब इसके कोई प्रमाण नहीं रह जाता ज्ञान में, सारे प्रमाण को आपने फेंक दिया, तब ज्ञान के विषय में यह कैसा संभव, यही प्रश्न। देखिए तत्रापि प्रवर्तक प्रमाण अभावे, प्रवर्तक प्रमाण अभाव होने के कारण प्रवृत्ति अनुपपत्ति ही इति चेत, माने ज्ञान के लिए भी जो प्रवृत्ति चाहिए, तो ज्ञान जानने के लिए भी कोई प्रमाण चाहिए, ये सारा प्रमाण मिट जाने से यह आत्मज्ञान कैसा संभव है, बिना प्रमाण ज्ञान कैसे होगा, ये है प्रश्न। अच्छा अभी आचार्य जी का, अभी माने सारे सभी प्रमाण अविद्या मात्र है, तो तत्वज्ञान जो चाहता है, इच्छुक जो है, तत्वज्ञान के लिए जो इच्छुक है उनके निकट, उनके पास में जो प्रवर्तक कोई भी प्रमाण नहीं रहने से, सारे प्रमाणों को छोड़ दे बेचारा, सभी जो परिकर जो भी है, परिकर माने इंस्ट्रूमेंट, सारे परिकरों को
त्याग दिया, फेंक दिया, फिर कैसे करेंगे काम आप? इंद्र ही बड़ा हमारा प्रमाण है, तो इंद्र के बिना ज्ञान कैसे होगा? माने वस्तु ज्ञान। तो इसीलिए तो फिर अब ये कैसे होगा, ये है प्रश्न। तो आचार्य जी कहते हैं ना भैया ना, क्योंकि स्वात्म विषयत्वात् आत्मज्ञानस्य नहीं आत्मनः स्वात्मनि प्रवर्तक प्रमाण अपेक्षता आत्मत्वादेव तदंतत्वात् च सर्व प्रमाणानां प्रमाणत्वस्य। देखिए ये ना, ये सारे जो पद है ना, मैं अनुभव से कह रहा हूँ, ये प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, प्रमातृत्व, अप्रमेयत्व, प्रमाणत्व, ये ना, ये सुनते ही ना कंफ्यूज हो जाएगा आदमी पहले पहले। अप्रमेयस्य, अप्रमाणत्वेन, प्रमाणतृत्व, प्रमाण, प्रमा के साथ ही ये बड़ा वाक्य है, बहुत सारा वाक्य। आप शास्त्र में पढ़ोगे यही, बस आप समझ क्या कह रहे हैं, क्योंकि ना देखिए एक देख बता दो हमारी जो प्रॉब्लम क्या है। देखिए शब्द, शब्द के साथ इसके साथ जो संबंध में जो लाया गया एक वस्तु है ना, शब्द उसके साथ जो संबंध के साथ जो बैठा हुआ एक वस्तु, माने इस शब्द उच्चार करते ही उस वस्तु का ज्ञान आपको होना चाहिए, है कि नहीं? इसमें कोई कालक्षेप नहीं होना चाहिए, कालक्षेप माने अंतर नहीं होना चाहिए। अब देखिए कोई शब्द सुन लिया, आधा घंटे के बाद कंप्यूटर खोली आपकी, लोटा कंप्यूटर प्रोसेस लोटा, इसके बाद आधा घंटे के बाद लोटा का जो एक स्वरूप आ गया आपके दर्शन में, फिर व्यवहार नहीं चलता है। पेंसिल, तो पेंसिल बोलते ही आपको पेंसिल में आना चाहिए ना, यहां पेंसिल पड़ा है, कहां है देखो। अब पेंसिल की आकृति आपको दर्शन करने में एक घंटा लग गया समझो, कंप्यूटर में पहले पहले कंप्यूटर ऐसे होना था ना, कमांड दो फिर एक घंटा सो जाओ, फिर बाद में खुलेगा डेस्कटॉप पूरा, विंडो 3.1 पहले पहले 20-25 साल की बात है, पहले की बात है। हमने देखा वो सिस्टम में भी काम किया मैंने, एंटर दबाने के बाद आधा घंटा पकौड़ा खा के आ जाओ फिर तब खुलेगा स्क्रीन, पकौड़ा बना के खा सकते हैं तब खुल जाएगा स्क्रीन और डेस्कटॉप। तो ऐसा नहीं होगा ना, तो इसीलिए आप देखिए तो आत्मज्ञान ना ही आत्मनः, तो इसीलिए तो तुरंत होना चाहिए ज्ञान, शब्द, शब्द का ज्ञान। हमारा प्रॉब्लम क्या है, ये शब्द जब सुनते ही प्रमा प्रमाण प्रमेय तत्व, इसका जो ज्ञान है तुरंत होना चाहिए, वो नहीं होगा। अब लगातार एक इन शब्दों के बस यू नो वो निकट शब्द जो भी है एक ही तरह का जो शब्द है, मगर एक शब्द और दूसरे शब्द बहुत बड़ा अंतर है, फिर ऐसा नजदीक वाले शब्दों को लेकर के 2-3 वाक्य बना दिया हो, तो अंग्रेजी में बहुत सारे वाक्य ऐसे ही है, कुछ महात्मा लोगों ने अंग्रेजी वाले लिखे रखा है मौज मस्ती के लिए, पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। तो जब तक वो ये शब्द का जो ज्ञान ठीक ठीक तुरंत बैठता नहीं, जब तक ये नहीं होगा तब तक फिर इसका वाक्य का ज्ञान होना असंभव। इसलिए शास्त्र का अध्ययन, शास्त्र का चिंतन बार 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 करने से इन शब्दों का और शब्द का अर्थ, अर्थ ज्ञान तुरंत होना चाहिए, हो जाएगा धीरे 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 धीरे, नहीं तो फिर ना बड़ी मुश्किल से। अब ये एक वाक्य के लिए 2 घंटा लग जाता है। अब देखो जो, जो मैं बार बार अनेक प्रकार उदाहरण में दे रहा हूं, देखिए किताब देख करके फिर आपको रसोई में कुछ बनाना चाहिए, बनाना पड़ता है, तो फिर क्या मजा आता है क्या आपको? थक जाएंगे, बनाया क्या, सिर्फ दाल बनाया उसमें भी थक गए। एक पतीली ले लो, पतीली ढूंढने लगे, पतीली किस तरह की पतीली, वहां पे लिखा है कि 1 लीटर, 1.5 किलो दाल के लिए इस तरह की पतीली ले लेना, मतलब फिर एक नापने टेप लेके बैठ गया आप,
ये किस तरह की पतीली है, अच्छा ठीक है हाँ इसमें पतीली को उठाओ, उठा दिया भाई क्या करना, सिर पे लगाना क्या, नहीं नहीं सिर पे नहीं स्टोव पर लगाना, तो लगा ऐसे पढ़ पढ़ के जो रसोई बनने वाला होता है ना थक जाएंगे। इसलिए शास्त्र का चिंतन, शास्त्र का अध्ययन, गीता का पाठ करना, उपनिषद। अब अगले साल हमारा चिन्मयमेश में गुरु जी करने जा रहे हैं, ये हमारा एक प्रोग्राम है अगले महीने नवंबर में शायद, देख के मैं कंफर्म करता हूँ बहुत बाद में डेट्स पूरा। भाष्य पारायण, सिर्फ भाष्य पारायण, सब मिलकर भाष्य पारायण करेंगे, क्योंकि ये एक एक शब्द आचार्य का शब्द, एक एक शब्द बड़ा महामंत्र है। मंत्रोच्चारणम, इसीलिए आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि प्रमाणा प्रमेया प्रमाता प्रमातृत्व ये सब सारे अभी शब्दों का प्रयोग करने जा रहे हैं इसी भाष्य में अभी इसमें। तो इसे सावधानी से, ध्यान से, प्रेम से, भक्तिपूर्वक, विनयपूर्वक आचार्य का स्मरण करते हुए बैठने से कुछ ज्ञान होने का संभावना है, ठीक है। अभी अभी हाँ न अभी इसलिए भाई बता दे, ध्यान से सुनिए, न स्वात्म विषयत्वात् आत्मज्ञानस्य, नहीं आत्मनः स्वात्मने प्रवर्तक प्रमाण अपेक्षता आत्मत्वादेव तदंतत्वात् च सर्व प्रमाणानां प्रमाणत्वस्य। अब देखिए कितने बार प्रमाण परमात्मा प्रमात्मस्य प्रमाणत्वम आ गया, देखिए अब ध्यान से सुनिए। आत्मा का ज्ञान जो है स्वात्म विषयत्वात् आत्मज्ञानस्य, आत्मज्ञान का विषय क्या है? अच्छा बताइए भैया, अब आचार्य शुरू कर रहे हैं, भैया आत्मज्ञान का विषय जो है, देखो बाहर की जो विषय वस्तु की प्राप्ति या जानकारी के लिए कोई प्रमाण चाहिए मैं मानता हूं, मगर आत्मज्ञान में आत्मज्ञान का विषय क्या है? अपनी ही आत्मा, ठीक है। विषय माने समझ में आए, विषय माने ऑब्जेक्ट ऑफ लर्निंग, ऑब्जेक्ट ऑफ नोइंग, नोइंग ऑब्जेक्ट विच इज टू बी नोन, ऑब्जेक्ट टू बी नोन इज कॉल्ड विषय। क्योंकि ना आपको हिंदी में समझ नहीं आते, आप बोलते तो हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो, हिंदी भी लोगों को समझ में नहीं आ रही है, मैं सच कह रहा हूं। इसलिए कभी कभी अंग्रेजी चल जाएगा, इन दोनों भाषाओं में आपको यदि समझ में नहीं आ रहे हैं फिर मेरी अपनी मातृभाषा का प्रयोग करूंगा। जो आत्मज्ञान का विषय क्या है? अपनी ही आत्मा, ठीक है, ये समझ। अच्छा फिर ये आत्मा जो है सबका अपना स्वरूप है कि नहीं? सबका आत्मा क्या है? अपना ही स्वरूप है, इसीलिए तो अपनी आत्मा में माने अपने आपने अपने स्वरूप के ज्ञान में, ज्ञान के विषय में, ज्ञान के विषय में माने अपनी आत्मा में प्रवर्तक रूप, माने प्रवर्तक रूप मैंने बता दे उदाहरण के द्वारा, प्रवर्तक रूप में किसी भी प्रमाण की जरूरी नहीं है। जो अम्मा कल बता रही थी तुरंत वहां यहां तक पहुंच गए अम्मा, बोला अम्मा और आगे मत जाओ, वापस आ जाओ, धीरे धीरे जाएंगे। तो माने कोई अपेक्षा नहीं है, कोई प्रमाण का अपेक्षा, प्रमाण की अपेक्षा माने जरूरी कोई भी नहीं है, नहीं रहती, क्योंकि फिर क्या है, स्वयं आत्मा ही आत्मज्ञान होने के कारण, तो क्या है, आत्मा ही आत्मज्ञान का कारण है, तो फिर क्या, वो स्वयं स्वतः सिद्ध है, स्वयं प्रकाश स्वरूप, इसमें कोई जानने के लिए प्रमाण कोई नहीं चाहिए, अपने आप को जानने में कोई प्रमाण नहीं चाहिए। और सभी, और आचार्य कहते हैं आत्मनः स्वात्मने प्रवर्तक प्रमाण अपेक्षता आत्मत्वाद एव तदंतत्वाच्च सर्व प्रमाणानां प्रमाणत्वस्य। अब आगे देखेंगे धीरे धीरे धीरे। अब यह है कि इसलिए कि आत्मा ही आत्मज्ञान होने के कारण वह तो स्वतः सिद्ध है, स्वयं प्रकाश स्वरूप के कारण स्वतः सिद्ध है, और सभी प्रमाण के प्रमाणत्व, सभी प्रमाण के प्रमाणत्व जो है, ये सारे प्रमाणत्व सभी प्रमाण है, हाँ ये प्रमाण है, ये प्रमाण, उस प्रमाण में प्रमाणत्व की सिद्धि
कैसे हो रही है? आत्मा के कारण। देखिए वही आचार्य कहते हैं आत्मन स्वात्मनि प्रवर्तक प्रमाण अपेक्षता आत्मत्वाद एव तदंतत्वाच्च सर्व प्रमाणानां प्रमाणत्वस्य। माने आत्मा ही स्वयं अपने आत्मा ही हाँ प्रमाण के प्रमाणत्व में आत्मा ही है माने शेष हो जाता है। देखिए ये प्रमाण है, सभी प्रमाण में प्रमाणत्व को ढूंढना है। ये प्रमाण है क्यों? इसमें प्रमाणत्व है, ये प्रमाणत्व इसमें है। आपको कैसे पता लगा? वो आप ही नहीं है तो इसमें प्रमाणत्व की सिद्धि कैसी होगी? तो आचार्य कहते हैं तुम बेवकूफ हो, क्योंकि तुम ये कह रहे हो कि माया में सभी प्रमाण है, माया में सभी प्रमाणों को हटा दिया अविद्या कारण के, अविद्या कैसा, अविद्या के कारण, और सभी प्रमाणों को त्याग दिया। अब ये पूछ रहे हो अपनी सिद्धि में आत्मा। अरे भैया बाकी प्रमाण की सिद्धि भी तेरे वजह से ही हुई। हाँ मैं हूं इसीलिए मेरे आंख है, ऐसा नहीं कि वो लॉन्ग बैक डिस्कार्डेड स्टोर्ड है ना, वो उल्टा बोला उन्होंने, आई थिंक देयरफॉर आई एम बोला, वो तो गलत है। आई थिंक देयरफॉर आई एम वो बिल्कुल गलत है विचार में, क्योंकि आई एम देयरफॉर आई थिंक ये करेक्ट है। मैं हूं इसलिए मैं सोच सकता हूं, मैं सोच रहा हूं इसलिए कि मैं हूं, तो उल्टा बोल रहे हो तुम। अरे सारे प्रमाणों की सिद्धि तुम्हारे वजह से हो रही है, तू है इसलिए उसकी उसमें हर प्रमाण में प्रमाणत्व की सिद्धि हो रही है। इसीलिए अरे भैया तो माने यह है प्रमाण, ऐसा बोलने वाला जो है पहचान करने वाला कोई होना चाहिए। इसका मतलब यही है कि सभी प्रमाण के प्रमाणत्व आत्मा में ही अंत हो जाता है। इसका प्रमाणत्व किसमें है? आत्मा में है। इसका प्रमाणत्व किसमें है? आत्मा में है। एक एक इंद्रिय फॉर एग्जाम्पल आप एक एक इंद्रिय को प्रमाण के रूप में स्वीकार करके देखोगे तो इसके प्रमाणत्व किसमें? आंख, आंख है देखने का तो नयनेन्द्रिय नयन है, इसे प्रमाण है, आंख प्रमाण है। यह आंख की प्रमाणत्व किसमें सिद्धि है? आत्मा में। कान की प्रमाणत्व, कान है प्रमाणत्व है कि नहीं है ही, इसकी प्रमाणत्व कहां सिद्धि हो रही है, कैसे सिद्धि हो रही है, कहां पर किसमें? आत्मा में। माने इन सारे प्रमाणों के प्रमाणत्व जिसमें अपने अपने जो प्रमाणत्व है स्थापित की गई है, और वास्तव में सारे प्रमाणों का प्रमाणत्व अंत कहां हो रहा है? मुझ में ही। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसकी स्थापना में आप मेरे अलावा, मेरे बिना, मेरे अस्तित्व के बिना यह प्रमाण की अस्तित्व हो जाए, नहीं होगा। मैं हूं इसलिए प्रमाण सिद्धि हो रही है। तो आत्मा में स्वात्मने आत्मनः आत्मा के स्वात्मने प्रवर्तक प्रमाण अपेक्षता माने कोई अपेक्षा, अपेक्षता न अपेक्षता माने कोई अपेक्षा नहीं है अपने आप को जानने में। आत्मत्वादेव तदंतत्वाच्च सर्व प्रमाणानां प्रमाणत्वस्य। सभी प्रमाणों का, सभी प्रमाण प्रमाणत्व मुझ में ही है, मेरे ही कारण इसकी सिद्धि हो रही है। आप बोलते हैं कि ये प्रमाण, इस प्रमाण के द्वारा उसका जो विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर लो। भैया ठीक है ये प्रमाण है, पहला प्रमाण की सिद्धि किसने किया? मैंने किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई होप। तो मैं हूं, तो इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं आखिर में सभी प्रमाणों का प्रमाणत्व आत्मा में ही अंत हो जाते हैं, अंत हो जाता है आत्मा में ही सभी प्रमाणों का प्रमाणत्व। अब भाष्यकार शंकराचार्य फिर आचार्य कहते हैं नहीं आत्मस्वरूप अधिगमे सति पुनः प्रमाण प्रमेय व्यवहार संभवति। मैं आत्मस्वरूप, आत्मा का पहचान ज्ञान होते ही क्या है अधिगमे सति पुनः फिर दोबारा पुनः प्रमाण प्रमेय व्यवहार न संभवति।
फिर एक बार आत्मा अपना अपना स्वरूप का ज्ञान हो गया हो तो इसके बाद न प्रमेय कोई नहीं है, प्रमाण के रूप में कोई नहीं रह जाता, व्यवहार ही नहीं है, खत्म हो गया व्यवहार। आपने आपको जान लिया, सारा व्यवहार खत्म। बढ़िया है, प्रॉब्लम खत्म। देखिए तो प्रमाण प्रमेय और प्रमातत्व का अभाव हो जाता है। क्यों? अपने आप, मैंने अपने आप को जान लिया और जानने योग्य वस्तु और कुछ है ही नहीं, क्योंकि सारा जो वस्तु है कल्पित वस्तु है। ये प्रमाण विचार जो है ना, ये बड़ा शास्त्र है, उसको समझने में ही न जाने बताने कितने महीने कितने साल लग जाते हैं। और एक एक सिद्धांत थे हमारे, तो एक एक दर्शन शास्त्र में कुछ कुछ प्रमाण मानकर बैठे हैं, कोई दो प्रमाण मानने वाले, तो कोई तीन प्रमाण मानने वाले, कोई चौथा चार प्रमाण मानने वाले, कोई श्रुति प्रमाण, वेदांत श्रुति प्रमाण को मानती हैं। अब ऐसे है ना, रुचि होनी चाहिए कि सीखने की, जानने की, मगर हमारी रुचि सिर्फ टीवी देखने में ही है। जैसे विटामिन, पैसा को विटामिन यम बोलते हैं, इसी तरह टीवी के बिना रहना मुश्किल हो गया अभी सभी को। और आजकल नई बीमारी क्या है? मोबाइल भी। इसलिए ऑर्थोपेडिशियन बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं मोबाइल के कारण। कैसे? ये झुक झुक के देखते रहते हैं ना, उस पॉन्डले से जा रहा है सब ऐसे एक ही एंगल में। एक और मोबाइल खरीदने का खर्च करो, इसको मेंटेन करने का, बिल भरती करने में खर्च करो, फिर तो रोग के कारण डॉक्टर के पास जाके पैसा दो, और सबकी बात सुन सुनकर मन को भी खराब कर दो, बुद्धि को भ्रष्ट कर लो, सत्यनाश। अब देखिए, प्रमातृत्व ही आत्मनः निवर्तयति अन्त्य प्रमाणम्, निवर्तयद एव च अप्रमाणी भवति स्वप्न काल प्रमाणम इव प्रबोधे। अब आचार्य कहते हैं प्रमातृत्वम ही आत्मनः निवर्तयति अंत्यम प्रमाणम। देखिए अंत्यम प्रमाण मतलब आखिरी प्रमाण क्या है? सभी से ज्ञान की प्राप्ति में आखर प्रमाण क्या है? आखर प्रमाण यही है शास्त्र। अंत्यम प्रमाणम क्या है? शास्त्र की शास्त्र वाक्य, शास्त्र श्रुति। इसे कहा जाता है, कहा जाता है ये होता है कि जो दो तरह की जो सिद्धि है माने मोक्ष की प्राप्ति, एक तो सद्यो मुक्ति, दूसरा क्रम मुक्ति है ना। दूसरी जो एक कहते हो सद्यो मुक्ति, दूसरी क्रम मुक्ति है। क्रम मुक्ति में क्या है? ये एक लोक से दूसरा लोक, दूसरा लोक से और ऊपर के लोक, पाताल के ओर नहीं सत्यलोक के ओर। धीरे धीरे ये तो है, ये वास्तव है। मारे आपको ना एक ऊपर चले जाते हैं, भूहु भुवः सुवः महः जनः तपः सत्य। धीरे धीरे एक 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 कदम चलते 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 आप क्रम मुक्ति के द्वारा ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं। ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद वहां पे क्या होता है? सत्संग ही सत्संग, और लेने वाला कौन है? स्वयं ब्रह्मदेव। कभी कभी वो हमारे उनके चार पुत्र हैं, ब्रह्म मानस पुत्र, सनक सनंदन सनत कुमार सन सुजाति इत्यादि, ये चार न तो सनातन बोलते हैं, ये चार इनके साथ सत्संग लेते रहते हैं। तो कभी कभी महात्मा लोग आते रहते हैं वहाँ पे ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मलोक वासियों क्या करते हैं वहाँ पे? सत्संग सुनते रहते हैं ब्रह्मा जी का और अन्य महात्माओं का। ठीक है, कभी विष्णु जी का आगमन, कभी शिव जी का आगमन हो जाता है, उनका भी दर्शन हो जाता है, सत्संग होता रहता है। ठीक है, तो वहाँ आकर में स्वयं ब्रह्मा जी सबको उपदेश दे देता है कि हम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, तत्वमत उपदेश देगा, अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव होगा। उपदेश स्वयं ब्रह्मा जी देता है तत्वमसि, और स्वयं ब्रह्मा जी उपदेश देते हैं
कि आपको तुम ब्रह्म ही हो, तत्त्वमसि तुम वही हो, वही सत्य है, तू वही है, बस सुनते ही हो गया मुक्ति। तो इसीलिए उसको कहते हैं अंतिम प्रमाणम शास्त्रम, श्रुति प्रमाण ही शास्त्र अंतिम प्रमाण, और कोई प्रमाण नहीं है। भैया इस जगत की अस्तित्व के बारे में क्या है प्रमाण? आपका अनुभव? नहीं, शरीर त्यागने के बाद, छोड़ने के बाद जीव की स्थिति के बारे में जानने के लिए प्रमाण क्या है? वेद। जो जो आपको अतीन्द्रिय विषयेषु वेद प्रमाणम, वेद ही प्रमाण है। और आत्मज्ञान के लिए क्या प्रमाण है? वेद प्रमाणम। जो अंत प्रमाण, अंत्यम प्रमाणम आत्मनः प्रमातृत्वम ही निवर्तयति, वो आखिरी जो अंत्य प्रमाण जो है शास्त्र प्रमाण, वो प्रमाण आप में, आत्मा में, आपके अंदर, आप में आखिर में क्या रह जाता है? क्योंकि प्रमेय वस्तु नहीं रहने के कारण, और प्रमेय वस्तु नहीं रहने के कारण तो प्रमाण की कोई जरूरी नहीं है। माने जानने योग्य, मुझसे अन्य जानने योग्य वस्तु कोई भी नहीं है, इसके कारण तो प्रमाण की क्या जरूरत है? जरूरत है, कोई जरूरी नहीं है। देखिए आपको, देखिए कोई भी चीज़ नहीं सुनना हो फिर कान की क्या जरूरी है? नहीं देखना हो तो आंख की क्या जरूरी है? समझ में आ रही बात? बिल्कुल आप तृप्त हो गया। और ये तो इसलिए महात्मा लोग आंख बंद करके बैठ जाते हैं, खोलते नहीं, बोलते खोल के क्या करना। माने मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, लौकिक उदाहरण, कुछ एक बात तक आप सबको पहुंचाने के लिए एक प्रयास है मेरी, इस वक्त जारी है। वहां तक पहुंचने के बाद बात करना, पहुंचने के बाद, पहुंचाने के बाद, ठीक है। आप क्या माने, कोई एक देखिए, ऐसा कहा जाता है कि सुक महर्षि अपने मां के गर्भ से निकलने के लिए ही इनकार करते थे, बोले मैं आके क्या करूं, क्योंकि मेरे को कोई रुचि नहीं बाहर की दुनिया में। ये बताओ पप्पा आके बाहर क्या करूं? तुम देख सकते हो रुचि नहीं है, सुन सकते हो रुचि नहीं है, कह सकते हो रुचि नहीं है, घूम सकते हो रुचि नहीं है, मेरे दिमाग कह सकते हो रुचि नहीं है, कुछ सीख सकते हो, क्या सीखना क्या है? अरे भाई, तो फिर व्यास जी ने, भैया तुम तो महात्मा है, अपने माँ के घर पे तो माँ की स्थिति देख लो, जरा करुणा दिखाओ यार। तो तुरंत बाहर आ गया। ऐसा है क्या? तो माँ पेट के माँ बेचारी तड़प रही थी, ये बाहर बच्चा कब निकलेगा, 12 साल हो गया। बोलता है बेटा बाहर आओ, बोलता मैं क्या आके क्या करूं, मैं जहां हूं वहीं रहने दो। जब व्यास जी ने ये बात बताया कि भैया तुम्हारी माँ है ना कष्ट उठा रही है बेचारी, अब उनके कष्ट तो दूर करो, तो बोले हाँ ये बात मुझे ध्यान में नहीं आई, थैंक यू डैडी करके अब भी आ रहा हूं। तुरंत बाहर आ गया, चला गया, चल पड़ा। यम प्रव्रजंत मनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। अब क्या है, दुनिया के बारे में आपको कोई प्रमेय वस्तु ही नहीं है तो प्रमाण की क्या जरूरत है? अच्छा, तो आखिर में तो प्रमेय न रहने के कारण तो कोई प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, वो भी हट गया,
फिर कौन बचा? जो प्रमातृ जो बच गया, वो प्रमातृत्व को भी मिटाने वाली चीज है, मिटाने वाली है शास्त्र। अंतिम प्रमाणम जो शास्त्र क्या करती है, जो प्रमातृत्व को भी मिटा देती है, माने मैं प्रमाता या प्रमातृत्व, इस प्रमाता में जो है उसको भी नाश कर देती है। कौन? शास्त्र। तो आत्मा में ये त्रिपुटी नहीं हो सकती, प्रमाता प्रमेय प्रमाणा। मैं श्रोता हूं, ये श्रोतव्य वस्तु, फिर सुनने का जो प्रयास, ये है ब्रह्म वस्तु। तो यदि प्रमाण प्रमेय भाव नहीं रहे तो अद्वैत ज्ञान कैसे प्रमाण होता है, ये प्रश्न की ये शंका, इसी शंका को दूर करने के लिए भैया, क्योंकि प्रमाण प्रमेय भाव नहीं रहे फिर अद्वैत ज्ञान का जो भाव, ये अद्वैत है। अद्वैत माने जो वहां पे द्वैत है, उस द्वैत को मिटाने के बाद जिसका अनुभव होता है उसको अद्वैत कहते हैं। माने ये द्वैत के साथ साथ तुल्य हम देखेंगे तो फिर अद्वैत स्थिति है। तो द्वैत ही नहीं है प्रमाण, तो अद्वैत स्थिति कैसी होगी? तो बोलते भैया अद्वैत में जो प्रमातृत्व है उसको भी, जो द्वैत में जो प्रमातृत्व आखिर में जो रह जाता है उसको भी ये शास्त्र जो है, अंतिम प्रमाणम जो शास्त्र है, वो शास्त्र इस व्यक्ति का जो ज्ञानी का जो प्रमातृत्व है वो प्रमातृत्व को भी नाश कर डाल देती है। ये है बात। देखिए तो इसीलिए आखर प्रमाण माने शास्त्र प्रमाण आत्मा का प्रमातृत्व को भी मिटा देती है। ये हो गया। तो अद्वैत ज्ञान का माने अपना स्वरूप का ज्ञान होते ही हम जिसको शास्त्र कहते हैं वो शास्त्र क्या कर देते, आखिर में प्रमातृत्व को मिटा देते हैं। समझ में आ गया बात? इसलिए मैंने कहा कि आपको यदि कोई चीज देखने की इच्छा ही नहीं है तो आंख की क्या जरूरत है? कोई भी किंचित मात्र, कोई व्यवहार के लिए भी कुछ नहीं चाहिए आपको। जैसे सुख महर्षि का मैंने उदाहरण दिया, हमारे कुजली क्या है? पांच तरह की कुजली है, देखने का, सुनने का, सूझने का, ये लगातार पांच तरह, वो कंपटीशन में चलती रहती, पांच तरह की कुजलियां हमको हमारा दिमाग खाते रहते। पहले मुझे 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 आश्वासन दो, मुझे आश्वासन दो, मुझे आश्वासन दो, मेरी से मेरी तृप्ति करो, मुझे तृप्त करो, पहले मुझे तृप्त कराओ, मुझे तृप्त कराओ, एक एक इंद्रिय। इसीलिए आचार्य जी कहते हैं कि नहीं आत्मस्वरूप अधिगमे सति पुनः प्रमाण प्रमेय व्यवहार न संभव संभवती, प्रमातृत्व ही आत्मन निवर्तयति अंतिम प्रमाणम, निवर्तयद एव च अप्रमाणे भवति स्वप्न काल प्रमाणम इव प्रबोधे। उदाहरण क्या है? स्वप्न जगत का जो आपका जो दृश्य है, स्वप्न में आप दृष्टा बन गया, एक दृश्य है आप दृष्टा बन गया, फिर दृष्टा का जो दर्शन एक आ गया, दर्शन कर रहे हैं क्योंकि एक दृश्य है और दृष्टा भी है। अब जगने के बाद न दृष्टा रह जाता, न दृश्य है, न दृष्टव, देखने का दर्शन करने का जो प्रक्रिया है उसका भी सारा जो त्रिपुटी बोलते हैं सारा का अंत हो गया, एकदम नाश, प्रबोधे। तो ये है हमारा जो ये इस हमारे आश्र संप्रदाय संस्कृति, हमारे जो वेद ज्ञान, उसके रहस्य यही है कि पहले अपने आप स्वयं जान लो। अब देखो जिस ज्ञानी को विचार करते 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 आत्म साक्षात्कार हुए ना हुए वो अलग बात है, और इतनी दूर पहुंच गया कि शास्त्र में ही रमने लगे, शास्त्र चिंतन में ही उनका आनंद, वो उनका अपना आनंद उठाने लग गया, तो ऐसे ऐसे जो ज्ञानी को फिर बाहर की दुनिया से एकदम पूर्ण वैराग्य हो जाता है। आगे भगवान कहेंगे, आगे दो श्लोक का भाष्य ही है, बोलते हैं आगे, कहते हैं आचार्य जी शरीर यात्रा के लिए भी जितने चाहिए उतने वस्तुओं के आवश्यकता के साथ, उसको जो आवश्यकता है वही वस्तुओं के साथ जीवन में संतृप्त हो जाता है, बट उसमें भी निष्प्रह होकर व्यवहार करते हैं। आगे कहेंगे भाष्य में, जो जो आवश्यक है उसी को ले लो,
और उसमें भी निष्प्रभ होकर व्यवहार करने वाला है। अच्छी बात है कि नहीं? चलो ठीक है, जो जो आवश्यक है मेरे लिए, ये सब आवश्यक है, उसको पकड़ के रखो, नहीं निष्प्रभ होकर व्यवहार करो। आवश्यक चीज है मगर उसमें जिद्दी मत करो, आग्रह मत करो। हम क्या कहते हैं, हमारे पहले हमारे आवश्यक चीज क्या है, पड़ोसी का टेलीविजन भी हमारा आवश्यक है, पड़ोसी का रेफ्रिजरेटर भी हमारे आवश्यक चीज है, बाकी सारे दुनिया के जितने भी जो जो चीज बिक्री है बाहर दुनिया में, सभी चीज हमारे लिए आवश्यक है। आप क्षमा, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, मगर उदाहरण तो दे रखा हूं मैं आपको, फिर दोबारा देता हूं, शास्त्र में दिया है और इस प्रकार का उदाहरण, जैसे कुत्ता मार्ग सड़क पर जाते जाते, समझ में आ गया ना बात, उसी को कहते हैं शॉपिंग। वो गुस्सा करेंगे तो मैं क्या करूं, वो महाभारत में युधिष्ठिर जी कहते हैं ना, दंत दर्शनम पुच्च उच्चाटनम कुत्तों का, बोलते हमारे लड़ाई कुत्ते जैसे है, युधिष्ठिर जी कहते हैं, क्योंकि दो कुत्ता सामने आमने सामने हो जाते पर घूमते, इट सीम्स वो युधिष्ठिर जी बताए एक श्लोक के द्वारा। फिर बाद में दंत दर्शनम, दोनों अपने दांत दिखाते एक दूसरे को, फिर गर्जनम, अब पूछ भी उठा देते पहले दोनों का पूछ पर ऊपर उठा के, युधिष्ठिर जी कहते हैं हमारा लड़ाई ऐसी हो गई, ये क्या है, हमको कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए स्वप्न काल प्रमाणम इव प्रबोधे, स्वप्न काल में जो प्रमाण आप जिसको मानते हैं, जगने के बाद क्या काम है, स्वप्न देखने वाला भी मिट जाता है, तो प्रमातृत्व भी नष्ट हो जाता है। किसके द्वारा? अंत्य प्रमाण। अंत्य प्रमाण क्या है? शास्त्र प्रमाण। तो शास्त्र का अध्ययन करने से, शास्त्र का चिंतन करने से, बार 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 पुनरावृत्ति, आवृत्ति बोलते हैं, आवृत्ति, पहली आवृत्ति, दूसरी आवृत्ति, तीसरी आवृत्ति, कब तक? जब तक ज्ञान नहीं हुआ, वो उसी को पढ़ते रहो, ब्रह्मसूत्र या उपनिषद भाष्य या कुछ, ये कुछ ये पढ़ो वो पढ़ो, जो वैराग्य पूर्ण, जो वैराग्य बढ़ाने वाले जो शास्त्र है उसको पढ़ो, प्रवृत्ति में डालने वाले शास्त्र को मत पढ़ना। यदि आपको मोक्ष ही आपका अभिलाषा है, आपकी अभिलाषा हो, तो फिर प्रवृत्ति में पहुंचाने वाले, देने वाले, डालने वाले जो शास्त्र हैं उसको नहीं पढ़ना चाहिए। आपको यदि दुनिया में बहुत सारा भोगना है तो प्रवृत्ति के संबंधित शास्त्र जो भी है पढ़ो, उसके अनुसार कर्म करो, उसका भोग लो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, इसमें कोई ये न्यून भाव नहीं है, ये सृष्टि पड़ी है हमारे सामने, जिसको जिस जीव को जो चाहिए वो मांग लो। मगर भगवान बोलते हैं कि धर्म के द्वारा, धर्म मार्ग से ही, माने धर्म का अनुसरण करते ही प्राप्त कर लो, अधर्म मार्ग पर चलते चलते प्राप्त मत करो। मगर दुनिया में जो चीज चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई अर्ज नहीं है, इसमें कोई दुख नहीं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मुझे स्वर्ग जाना है तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे ऐश्वर्य चाहिए ले लो, मेहनत करो प्राप्त कर लो। स्वयं अपने आप जानेंगे कि ये सब बेकार है, जानने के बाद मेरे पास आ जाओ। जब तक तुम ये इस विश्व में भ्रमण करना चाहते हो तो भ्रमण करो, जो करना है करो, मगर धर्म मार्ग से ही, धर्म मार्ग पर चलते चलते करो। ऐसा शास्त्र ये नहीं कहते सभी सन्यासी बने, सब ये निवृत्त मार्ग पर, ऐसा नहीं बताते हैं शास्त्र की, भैया इसमें कोई रुचि नहीं है, आपका अब अनुभव नहीं हुआ हो तो फिर अनुभव कर लो, चाट लो दुनिया को, फिर वापस आ जाओ। लोके च वस्तु अधिगमे प्रवृत्ति हेतुत्व दर्शनात् प्रमाणस्य, सरल उदाहरण भगवान दे रहे हैं कि भैया लोक व्यवहार में भी, लोक व्यवहार में भी वस्तु अधिगमे, एक वस्तु की प्राप्ति के बाद तत्संबंधित प्रवर्तक प्रमाण जो भी है उसका अभाव हो जाता है कि नहीं? प्रमाण के साथ काम हो गया, काम होने के बाद फिर वही प्रमाण को फिर उपयोग, उस वस्तु की प्राप्ति के लिए आप उस प्रमाण को फिर उपयोग में नहीं लाते,
हो गया हो गया, जानने से पहले प्रमाण, जानने के बाद फिर प्रमाण की क्या आवश्यकता है, सब छोड़ देंगे। ये दुनिया में भी ये बात सच है। तस्मात इसीलिए न आत्मविदः कर्मणि अधिकारः इति सिद्धम्। ये अभी निश्चय हो गया कि आत्मज्ञान के लिए कर्म में कोई अधिकार नहीं है, उसकी कोई रुचि नहीं है। उनकी रुचि कहाँ पर है, किस में है, वैराग्य में, आत्मज्ञान में, छोड़ने में। निसंगता में विदुषः त्यक्त एषनस्य चितप्रज्ञस्य यतेः एव मोक्ष प्राप्तिः न तु असन्यासिनः कामकामिनः इति एतम् अर्थं दृष्टान्तेन प्रतिपादयिष्यन् आह। विदुषः विद्वान के लिए माने त्यक्त एषनस्य चितप्रज्ञस्य यतेः, जो यति है, यति का लक्षण क्या है, वो चितप्रज्ञ है। इसलिए त्यक्त येषणस्य, जिन्होंने तारे इच्छाओं को त्याग दिया, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, येषण माने इच्छा है, पुत्र की इच्छा, संतान की इच्छा, कीर्ति की इच्छा, कीर्तिकांक्षा, लोकेषणा पुत्रेषणा वित्तेषणा धनकांक्षा, बस इसी के लिए लोग पीछे पड़े। मैं पुत्र माने ये ऐसा मत समझना कि केवल यही एक ही तरह का जो पुत्र है संतान की प्राप्ति है, यही नहीं, अनेक अनेक प्रकार के संतान की प्राप्ति मांगते रहते हैं लोग। माने मेरे बहुत सारे चेले बने, ये भी संतान है, मेरे पीछे लोग दौड़े हमेशा, ये भी एक तरह की इच्छा है, पुत्रेषणा। मेरे शिष्य बड़े, ये भी एक तरह की इच्छा है, बंधन में डालने वाले, ये भी एक तरह का संतान है, पुत्रेषण। लोकेषण कीर्ति, बाहर की दुनिया की कीर्ति ने कम से कम घर से शुरू कर देते हैं, पहले घर में मुझे सम्मान दो, आदर दो, मुझ जैसे एक व्यक्ति घर पर है ऐसा आप सब लोग मानो, सिर झुककर व्यवहार करो, मैं बड़ा हूं, वो सिखाने वाली बात नहीं है, जबरदस्ती की बात है। कुछ लोग बोलते ना चलो स्वामी जी को प्रणाम करो, वो गुरुदेव हमेशा कहते तुम करो, ये करता नहीं, ये झुकता नहीं बिल्कुल, तुम करो बेटा करो, स्वामी जी को प्रणाम करो, तुम क्या कर रहे हो, खड़े रहकर देख रहे हो, ये ऐसा ऐसा वाला नहीं है, ये इस तरह की क्या एक कीर्तिकांक्षा, पहचान की, जो मुझे एक पहचान हो जाए दुनिया में, अपनी पहचान, अपनी पहचान। अपनी पहचान, इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया कौन पहचानने से आपको सुख मिलेगी बताओ, जो आज या कल मरने वाले आपको पहचान लिया सुखी होंगे? हाँ, दुनिया में जो लोग आज नहीं या तो कल मरने वाले जो लोग हैं, उन लोगों की तारीफ सुनने में आपकी बहुत खुजली होती होगी, ऐसे इस तरह के लोगों की, उनके बात सुनने के लिए बस कुछ सुख मिल गया। अरे भैया, जो पहचानने से आपको सही में भल फल फायदा होगा, उस व्यक्ति का पहचान मांग लो, यदि मांगना है तो। कौन है व्यक्ति? गुरु। मुझे गुरु पहचाने, पहचान कर मेरे साथ रहें, मेरे उद्धार करे, भगवान मुझे पहचाने, जब मैं मंदिर में प्रवेश करता हूँ भगवान मुझे मुस्कुराते हुए मेरा आगमन स्वागत करे, हाँ बेटा भाव आ जाओ बेटा कैसे हो, ऐसा पुकारे, तो भगवान मुझे पहचान लिया। जो शाश्वत है वो जानता है कि मैं हूँ, मैं एक जीव हूँ, जीव के रूप में बैठ उपस्थित हूँ, उपाधिबद्ध हूँ,
वो जानते हैं, तो इसमें फायदा है कि नहीं है। और बाकी दुनिया मेरे पहचान करे या ना करे, मुझे कोई कुजली नहीं है, फर्क नहीं पड़ता मेरे लिए। और हम क्या करते हैं, उनकी पहचान को छोड़कर दुनियादारी लोगों का जो पहचान है उसको इस तरह का जो पहचान मांगते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं। मैं सच कह रहा हूं कि झूठ कह रहा हूं, सच है या झूठ है? एकदम सच है। हमारे मन में देखो ऐसा संकल्प उठता है कि हम चलते चलते कोई है हमको हमारे और देखे बिना चला गया हो, घर वाला कोई भी व्यक्ति, आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है? ठीक है स्वामी जी, कुछ कुछ लगता है, मगर आप क्यों बुलवाते हैं हमसे अभी? लगता है, लगता है, हाँ लगता है। कैसे लगता है? क्या परेशान है आप? जैसे सन्यासी निवृत्त होगा, जैसे सदाशिव ब्रह्मेंद्र योगी जब वो गुजर रहे थे, मतलब वो चल रहे थे, वह महायोगी थे, वो ना घूमते घूमते घूमते, उसका भान नहीं है, शरीर का भान नहीं है, वो अपसत्व में है। वो चलते चलते एक मुसलमान जो राजा थे वहाँ पे, वो राजा उन्होंने नदी में या समुद्र के किनारे में कहीं एक अपने डेरे बनाकर रानी के साथ अंदर बैठा है, और ये डेरे का जो दरवाजे होते हैं कपड़े का, ये एक दरवाजे गुजर गया बाहर चला गया। ये सदाशिव ब्रह्मेंद्र या यार याद नहीं है, होश में नहीं है वो। तो राजा गुस्सा गया, तलवार लिया, पीछे दौड़ा और उनका एक हाथ काट दिया, काट दिया तो भी वो चल रहे हैं आगे। ये राजा परेशान हो गया कि हाय राम, मैंने पाप किया, ये तो महात्मा है। फिर बोले हाथ उठाया, दौड़े पीछे, महाराज आपके हाथ मैंने काट दिया, क्षमा मांगता हूं, हिले मेरे आपके हाथ। बोले आप काटा मेरे हाथ? हाँ। कब? कुछ बस कुछ दो तीन मिनट के पहले। अच्छा ले लो, दे दो, ऐसा लगा दिया, वो चिपक गया, अट चला गया। भान नहीं रहता, ऐसा व्यवहार करो। फिर किसका भान होना चाहिए? प्रभु का। मैंने पागल जैसे मत करो, क्योंकि भगवान कृष्ण कह दिया गीता में, पश्यन श्रुण्वन स्पृशन जिघ्नन अश्नन गच्छन स्वपन स्वशन प्रलपन उसृजन उन्मिशन निमिशन अपि नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्ववित्। माने ये सारे काम, माने इसका मतलब क्या है, ये सारे कर्म करते रहो। भगवान इशारा दे रहे हैं, इस तरह अपना कर्म करते रहो भाई, आलस्य होकर मत सो जाओ घर पर ओढ़कर कंबल। अभी सर्दी होने लग गई तो ऐसा मत करो भाई, देखो सुनो। वंडरफुल। तो इसीलिए सिद्ध प्रज्ञते है मोक्ष प्राप्ति, उन्हीं ऐसे व्यक्ति के लिए ही, व्यक्ति का ही मोक्ष है ना, वो होता है उनके लिए मोक्ष प्राप्ति, बाकी लोगों के लिए नहीं है। असन्यासिनः काम कामिनः, बहुत सारे कामनाओं को मांगने वाला, कामने वाला, इच्छा करने वाला, उनके लिए मोक्ष कभी नहीं, क्योंकि वो बाहर की दुनिया में लथपथ होकर, जैसे खून से लथपथ होकर हम कहते हैं, इसलिए लालच से घृणा से लथपथ होकर जीव ये दुनिया में भाग रहे पागल जैसे। येतम अर्थम दृष्टांते न प्रतिपादितम, इसी अर्थ को माने सन्यासी को ही ये मिलता मोक्ष, मोक्ष मिलती है असन्यासी के लिए नहीं है, एक दृष्टांत के द्वारा भगवान श्री कृष्ण हम सबको समझा रहे हैं। ठीक है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक, पहले का श्लोक या निशा सर्वभूतानाम, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसलिए भगवान का भाष्य भी बहुत अद्भुत था, अद्भुत, और हम उस पर जितना हम प्रयास करके समझ सकते थे समझने का कोशिश करके समझ लिया। ठीक है, आपूर्यमाणम अचलम अचल प्रतिष्ठम, समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत
तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी आपूर्यमाणं अचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी आपूर्यमाणं अद्भिः अचलप्रतिष्ठं अचलतया प्रतिष्ठिता अवस्थितिः यस्य तम अचल प्रतिष्ठितम समुद्रम आपः सर्वतोगताः प्रविशन्ति स्वात्मस्तम अविक्रियम एव संतम यद्वत् तद्वत् कामाः विशेषनिधौ अपि सर्वतः इच्छावेश इच्छा आविशेषा यम पुरुषं समुद्रम इव आपः अविकुर्वन्तः प्रविशन्ति सर्वे आत्मनि एव प्रलीयन्ते न प्रलीयन्ते न स्वात्मवशं कुर्वन्ति सः शान्तिं मोक्षं आप्नोति न इतरः कामकामी काम्यन्ते इति कामाः विषयाः तान् कामयितुं शीलं यस्य स कामकामी न एव प्राप्नोति इत्यर्थः धीरे धीरे आपूर्यमाणं अद्भिः अचल प्रतिष्ठितम देखिए माने एक जलराशि है और जलराशि है ना हर ओर से समुद्र में प्रवेश करती रहती है हर एक जलराशि और समुद्र का जो स्वभाव क्या है आपूर्यमाणं सब ओर से परिपूर्ण होकर स्थित है अद्भिः अचल प्रतिष्ठितम गुरुदेव कहते थे अप टू ब्रिम इट इज फुल अप टू ब्रिम इट इज फुल माने वहां पे ऐसा पूर्ण हो गया समुद्र समुद्र का जो देखिए आप जरा सोचो कि इतने सारा पानी चले जाते रहते हैं फिर समुद्र का जो है लेवल जो है उसमें कोई बढ़ता नहीं अब कभी सोच लीजिए इतना पानी अंदर चला जाता है मगर समुद्र समुद्र जैसे भाई इससे ज्यादा उदाहरण क्या चाहिए ये प्रत्यक्ष सभी के लिए प्रत्यक्ष उदाहरण अगर आप सोच विचार करो घर जाकर विचार करो इतना पानी इतना पानी इतना पानी वो समुद्र के अंदर प्रवेश इसके बावजूद समुद्र में कोई विकार नहीं है बढ़ना घटना कोई भी कारण नहीं है वैसे के वैसे ही है बढ़िया सा तो अद्भिः अचल प्रतिष्ठितम अचलतया प्रतिष्ठिता अवस्थिति ही कोई चलन नहीं है इसमें माने वृद्धि रूप विकार की प्राप्ति नहीं होती हानि या वृद्धि माने कम ही होना बढ़ना इसमें कोई ऐसा विकार नहीं है एकदम शांत एकदम पूर्ण एकदम अचल होकर प्रतिष्ठित है कोई चलन नहीं है इसमें माने संतृप्त है तुष्ट है वाह एक महात्मा जी ने बताया उदाहरण के लिए बस समुद्र में भी गतिशून्य चलन है हाँ नदी में गति सहित माने गति के और जाने वाली पानी बहती है ये नदी जो है असंपूर्ण है इसलिए सागर की जो अपनी जो गोद है वो मांगते हुए चले जाती है नदी दौड़ दौड़ कर दौड़ दौड़ कर समुद्र जो है इसमें कोई चलन चलन नहीं माने गतिशून्य है इस पानी में इस स्तर में पानी के स्तर में न वृद्धि है न हानि है नहीं नहीं पानी नहीं बढ़ता न तो यहां कम नहीं होता कुछ नहीं है उसको कहते हैं अचल प्रतिष्ठितम इसका मतलब क्या है तूफान जैसे भगवान कहते हैं आचार्य जी कहते हैं
अवस्थिति यस्य जिसका जिसकी स्थिति ऐसी है तम उनके लिए अचल प्रतिष्ठितम उसी को कहते हैं अचल प्रतिष्ठितम समुद्रम आपह सरोदोगताः प्रविशन्ति सभी ओर से समुद्र में पानी जाने से प्रवेश करने से भी जैसे जिस तरह से समुद्र में कोई चलन नहीं है होता स्वात्मस्तम अविक्रियम एव संतम यद्वत इसी तरह आत्मा में स्थित हुआ जो महात्मा है जो ज्ञानी है अविक्रियम एव संतम उसमें कोई विकार नहीं है। तद्वत तद्वत कामाः देखिए विषय सन्निधोपि सर्वथा इच्छावेश इसी तरह जो समुद्र के जैसे इसी तरह एक महात्मा में माने ज्ञानी में ज्ञानी पुरुष में तद्वत कामाः विषय सन्निधोपि देखिए विषय वस्तु से दूर नहीं गया सारे विषय नृत्य कर रहे हैं उनके चारों ओर बिल्कुल बैठा किसके बीच में विषय वस्तु के बीच में रंभा उर्वशी मेनका नाच रहे हैं तवैव वाहे तव नृत्य गीते जैसे नचिकेत ने कहा ओ यमराज जी ये सारे पार्टी को आप ही लेकर घूमते रहो मुझे नहीं चाहिए पार्टी ये बैंड पार्टी नाचने वाला तबला बजाने वाला ये सब पार्टी तुम्हारे पास रखो मुझे ये नहीं चाहिए जाओ लेके जाओ। क्या वैराग्य है देखिए नचिकेत का स्मरण करते ही वैराग्य का उदय होना चाहिए अंतकरण में। वैराग्य ये नीरस नहीं है वैराग्य रसपूर्ण है वैराग्य एक बल है ये निरोग रोग नहीं है एक बल है और वैराग्य से बढ़कर कोई बल नहीं है। और वैराग्यवान जो पुरुष है वही निर्भय होकर चल सकते हैं कोई डर नहीं है। जो वैराग्यवान नहीं है वो डरता रहता है हमेशा। इसलिए विषय सन्निधो अपि माने विषय वस्तुओं के पास में निकट रहते हुए भी सन्निधो सर्वथा इच्छा आवेशा यम पुरुषम समुद्र सारे वस्तुओं के जो प्रवेश अंदर तो देख रहे हैं उनका जो कबर मिल रही है कबर उसका अनुभव भी कर रहे हैं वो माने देख रहे हैं उसमें अंतकरण में पुरुषम समुद्रमिव वो पुरुष कैसे है समुद्र जैसे है निश्चल होकर रहे समुद्र में वह पुरुषम आपह अभिकुर्वंतः कोई विकार नहीं कर सकता। जैसे समुद्र में प्रवेश करने के बाद जल राशि नदी की पानी अंदर प्रवेश करने के बाद भी समुद्र में कोई विचरता माने कोई न्यून वृद्धि या हानि या नहीं करती है माने बढ़ना बढ़ाना कमी होना ज़्यादा ऐसा नहीं होता। इसी तरह ये सारे इच्छाएँ माने सारे विषयों का जो ग्रहण जो अंदर प्रवेश करते हुए भी विषय वस्तु का अंदर प्रवेश जाते हुए भी इनमें कोई विचल नहीं है अचल स्थिति है कोई विकार नहीं है क्योंकि ये भी समुद्र जैसे बैठे हैं। वाह वो स्थिति की कल्पना करो कम से कम। ब्यूटिफुल अभिकुर्वंतः कोई विकार करना विकार पैदा नहीं कर सकते। सर्वे आत्मनिव प्रलीयन्ते न स्वात्मवशं कुर्वन्ति उनके जो अपने वश में नहीं अपने वश करने में असमर्थ है कोई विषय वस्तु शांत बैठा है। सह शांतिम मोक्षम आपनोति उस पुरुष को शांति माने मोक्षम मिलती है तो मोक्ष मिलेगा उसको। इतरा काम कामी काम्यंते इति कामाविशा काम माने विषयाः काम्यंते जो काम कामी माने कामनाओं को इच्छाओं को इच्छा करने वाला चाहने वाला माने काम माने काम्यंते इति कामाः विषयाः तान कामयतुम शीलम जिसका स्वभाव ही बन गया शीलम बन गया जिसका शील क्या है स्वभाव क्या है इच्छा करने है ही सील बन गया कैरेक्टर बिकेम द कैरेक्टर इज कॉन्स्टेंटली डिजायरिंग हमारा सील बन गया स्वभाव बन गया
कैसा है स्वभाव? इच्छा करने का, मांगते रहो मांगते रहो, इच्छा करने की जो स्वभाव है। तान कामयतुं शीलं यस्य स कामकामी, वही कामकामी है, न एव प्राप्नोति इत्यर्थः। इस तरह का जो कामकामी पुरुष को यह मोक्ष कुछ नहीं मिलता। शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलती, तुष्टि नहीं मिलती, तृप्ति नहीं मिलती। ये आदमी को लटका कर, हाँ, रस्सी से लटका कर उसको अब एक धक्का दोगे तो फिर घूमता रहता है ना, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, और चार पांच, पांच लोग उनको खड़ा करके, पांच लोग माने पांच इंद्रिय है ना, और इधर से उधर धक्का मारो, उधर वो इधर जाएगा, इधर से उधर मारेगा, इधर से उधर मारेगा, उस एक हाथ लटका हुआ आदमी को जरा कल्पना करो, किया कि नहीं? नहीं, ऐसे भयंकर कल्पना नहीं करते करो। इसी तरह ये मनुष्य है, मूर्ख मनुष्य, इधर जाओ उधर जाओ इधर जाओ, हो हो हो, ये कल्पना करते ही हमको ना थक जाते हैं हम, न काम कामी कोई नहीं। यस्मात एवं तस्मात, क्योंकि ऐसा है, यस्मात इसीलिए कि, तो क्या करना चाहिए? विहाय कामान्य सर्वान्, पुमानुश्चरति निस्पृहः, निर्ममो निरहंकारः, सशांतिमधिगच्छति। विहाय परित्यज्य कामान् यः सन्यासी पुमान् सर्वान् अशेषतः कात्स्न्येन। विहाय माने परित्यज्य, सभी कामनाओं को परित्यक्त करके कौन है वो? सन्यासी। सन्यासी ए पुमान् सन्यासी सर्वान् अशेषतः, कोई 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 अशेष, सभी कामनाओं को अशेषतः माने कोई शेष नहीं है, किसी को नहीं छोड़ा, सभी कामनाओं को त्याग दिया मैंने पूर्णतः कार्ष्णेन। एक नेगेटिव लैंग्वेज में, दो एक पॉजिटिव लैंग्वेज में, कृत्स्नम मैंने कंप्लीटली, कार्ष्णेन पूर्ण रूप से, अशेष अशेष पूर्ण रूप से सभी कामनाओं को यो सन्यासी, यह सन्यासी त्याग कर जीवन मात्र चेष्टा शेष पर्यटति इत्यर्थः। सिर्फ जीवन जो के चलाने के निमित्त चेष्टा करते रहते, बस जो जो चेष्टाएं करना जरूरी है जीवन के, जीवन चलाने के लिए, बस उन्हीं चेष्टाओं को पकड़कर उसी के द्वारा व्यवहार चलाता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करता। जीवन मात्र चेष्टा शेष, वो शेष रह गया उसके जीवन में, क्या शेष रह गया? चेष्टा। किस तरह के चेष्टा? जीवन चलाने की, जीविका, जीविका माने जीविका अलग बात है, जीवन, जीवन चलाने के लिए जो जो चीज चाहिए, जो जो जितना कर्म का, जो कर्म का आवश्यकता है, कर्म की आवश्यकता, उसी का उतना ही करो बस, ज्यादा नहीं करना। पर्याप्तम पर्याप्तम पर्याप्तम, बस एनफ 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 बोलने वाला, अलम 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 बोलने वाला, जितना जाए उतना व्यवहार करो, ज्यादा मत करो। कार्ष्णेन चरति जीवन मात्र चेष्टा शेष पर्यटतः पर्यटति इत्यर्थः। निस्पृहः, देखिए शरीर जीवन मात्रे अपि निर्गता स्पृहा, बस भैया ठीक है माने जीवन मात्र में जे जीवन जीने के लिए जो जो आवश्यक कर्म है उसी को करो, मगर निर्गता स्पृहा, उसमें भी स्पृहा रहित, लालसा मत रखो, उसमें भी
जो जो चीज बस उस पर फिर उस चीज के प्रति फिर जैसे कि भरत राजा भरत सब छोड़कर एक हिरण के साथ प्रेम हो गया उनका। भैया जीवन चलाने के लिए तुम टाइम पास के लिए हिरण चाहिए तो ठीक है पालन करो पाल ले आएगा ठीक है पाने के बाद पाया फिर पाला फिर बाद में गया माने इसलिए निष्प्रह होकर व्यवहार करो। कभी कभी क्या होता है छोटे छोटे चीजों के साथ हमारा इतना ममत्व बुद्धि हो जाते हैं उसमें कि छोड़ने में हमको ना इतना दुख हो जाता है कि सोचो सारा राज्य छोड़ सकते हैं सभी दुनिया को छोड़ सकते हैं एक चीज को छोड़ नहीं सकते। जैसे कि बच्चा मां को छोड़ देगा पर खिलौना का नहीं छोड़ेगा। उसको आलिंगन करते करते सोना चाहता है उसको बच्चा और नींद में भी उसको हाथ पर खुल जाता है आंख उसका क्या संबंध है खिलौना और बच्चे के बीच में पता नहीं ट्राई किया कि नहीं और स्पर्श किया किसकी स्पर्श किया किसका खिलौना का स्पर्श किया आपने बच्चा का नहीं और हाथ लगा के देखो यह है स्पृहा। देखिए जीवन मात्र यस्य निर्ममः शरीर जीवन मात्राक्षिप्त परिग्रहे अपि मम इदम् इति अभिनिवेश वर्जितः। देखिए इसमें भी शरीर जीवन मात्रा के लिए आवश्यक पदार्थों को पकड़ो ठीक है कोई इसमें इसके संग्रह में आक्षिप्त परिग्रहे अपि जो जो आवश्यक चीज है उसके परिग्रह में भी मम इदम् इति अभिनिवेश अवर्जितः ये मेरे है ये मेरी चीज है इसमें जो तादात्म बुद्धि है ये भाव है ये मेरी भाव उसको भी जोड़ दो बढ़िया है। लालसा मत रखो लालसा माने इसकी वृद्धि हो जाए जो जो आवश्यक चीज पकड़े उसकी वृद्धि हो जाए ये लालसा और इसे ममत्व बुद्धि निर्ममः अभिनिवेश माने भाव तादात्म्य उसके साथ छोड़ दो। निरहंकार देखिए निरहंकार विद्यावत्वादि निमित्त आत्मसंभावना रहित इत्यर्थ। विद्वान हो गया आपने बहुत सारे ज्ञान प्राप्त कर लिया तो इसके निमित्त माने विद्यावान बन गया इसका निमित्त में आप आत्मसंभावना अपने आप को जो आत्मगर्व जो है उसको भी छोड़ दो। मैंने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया ये किया वह किया ये मैं विद्वान हूँ विद्वत्ता मुझमें समा गई आत्मसंभावना रहित इत्यर्थ उसका भी छोड़ दिया। निरहंकार सह एवं भूत शित प्रज्ञ ब्रह्मवित शांतिम सर्व संसार दुख उपलक्षण उपरमलक्षण निर्वाणवाक्यम अधिगच्छति प्राप्नोति ब्रह्मभूतो भवति इत्यर्थ। इस तरह का जो शित प्रज्ञ है वो क्या है ब्रह्मवित जो पुरुष है शांतिम शांति माने सर्व संसार दुख उपरम लक्षणाम उसका जो लक्षण क्या है शांति माने क्या है सर्व संसार धर्म उपरम दुख उपरम सारे संसार का जो जितने भी दुख है उन दुखों से वो निवृत्त हो गया माने निर्वाणाख्यम जिसी उसी को कहते हैं निर्वाण स्थिति निर्वाण में पहुंच गया। निर्वाण कोई चल नहीं है कोई दुविधा नहीं है कोई संकट नहीं है कोई इच्छा नहीं है कोई लालच नहीं है कोई अहंकार नहीं है कोई ममता नहीं है अपने आप में पूर्ण होकर बैठे हैं। अधिगच्छति प्राप्नोति ब्रह्मभूतो भवति माने इस तरह का जो व्यक्ति है ज्ञान है ज्ञानी है वह ब्रह्मभूतो भवति स्वयं ब्रह्म हो जाता है। स एषा ज्ञान निष्ठा स्तूयते इस तरह का जो ज्ञान निष्ठा है उसकी स्तुति की जा रही है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छते। एषा यथोक्ता ब्राह्मी ब्राह्मी येषा इसीलिए कहा गया ब्राह्मी माने स्त्रीलिंग तो स्त्रीलिंग का प्रयोग किया तो येषा येषा ब्राह्मी स्थिति येषा यथोक्ता
यथोप जैसे ऊपर बताया गया, जैसे ऊपर बताया ब्राह्मी ब्रह्मणी भवा माने ब्रह्म में होने वाली, ब्रह्मणी भवा इयम स्थिति ही, जो ब्राह्मी स्थिति जो है, जो ब्रह्म में जो होने वाली जो स्थिति है, आप ब्रह्म साक्षात्कार पाने के बाद आपको जिस स्थिति की अनुभव हो जाता है, उस स्थिति में सर्वम कर्म संन्यास ब्रह्म रूपेण अवस्थानम अवस्थानम इति एतत्। ये स्थिति क्या है? सर्वम कर्म संन्यास, सारा कर्मों को त्याग दिया ब्रह्म रूपेण अवस्थ, जैसे ब्रह्म में कोई कर्म का शेष नहीं है, कोई कर्म का जो लेप नहीं है, कर्म का गंध भी नहीं होता वहां पे, ब्रह्म में निर्विकार ब्रह्म में वही ये बन गया। सो सर्वम कर्म संन्यस्य, सारा कर्मों को त्याग कर ब्रह्म रूपेण अवस्थानम, वो ब्रह्म बनकर बैठ गया। बैठ गया माने है। अब ऐसा मत पूछो ब्रह्म बनकर कौन सा कुर्सी पर बैठा, जो कुर्सी का नाम बता दो, कंपनी बता दो, हम भी जाके बैठेंगे। ऐसे फिर बेकार प्रश्न मत उठाना चाहिए। बस ब्रह्म होकर बैठ गया, कहाँ बैठा? ब्रह्म में बैठा। कैसे बैठा? अब जानना चाहते हैं, आप जाके पूछो उनसे। हे पार्थ न एनाम स्थितिम प्राप्य लब्ध्वा विमुख्यति न मोहम प्राप्नोति। एक बार ये स्थिति का जो अनुभव हो गया तो फिर कभी ये इस मोह में नहीं पड़ता। सारा है ही नहीं, ये सारा स्वप्न प्रपंच है। संसार स्वप्न तुल्यो ही विवेचुड़ामणि, स्वप्न तुल्यो ही, ये कोई है ही नहीं, इसमें कोई सार नहीं है। इसलिए संसार में संसार निस्सार है, इसलिए इंग्लिश में पढ़ो संसार को SOME, हिंदी में पढ़ो सार को सम सार, इसमें सार पूर्ण नहीं है, सम देर सम सार, वो सम भी आपके मोह के कारण आपको लगता है कि इसमें कुछ सार है, वास्तव में वो सार भी सार नहीं है। जो समसार आपको जो दिखाई पड़ रहा है उसमें सम छोटा कुछ थोड़ा बहुत सार, आप जो आपको जो अनुभव मिल रहा है वास्तव में वो आपका ही आत्मा का स्वरूप का ही प्रतिबिंब, विषय वस्तुओं में विषय वस्तु के आनंद में आत्मा का ही बिंबित प्रतिबिंब होकर उसका ये प्रतिबिंब आनंद है बस। ओके, लब्ध्वा न विमुख्यति न मोहम प्राप्नोति, फिर दोबारा मोह में नहीं पड़ता। स्थित्वा अस्याम स्थितौ ब्राह्म्यम यथोक्तायाम अंतकाले अपि, भैया आखिरी क्षण में भी इस स्थिति में तुम पहुंच जाओगे तो क्या हुआ? अंतकाले अपि अंते वयसि अपि माने वृद्धावस्था में भी, मरने से पहले भी इस अवस्था में तुम्हारी स्थिति हो जाती, तब क्या होगा? ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म निवृत्ति मोक्षम रुच्यति गच्छति। बस ब्रह्म निर्वाण माने ब्रह्म निवृत्ति, ब्रह्म में निवृत्ति होकर ब्रह्म निवृत्ति, ब्रह्म में निवृत्ति जो स्थिति जिसको हम कहते हैं मोक्ष, रुच्यति गच्छति, बस तुम मोक्ष मिलेगा तुमको। किम वक्तव्यम ब्रह्मचर्यादेव संन्यस्य यावत् जीवं यो ब्रह्मणी अवतिष्ठते स ब्रह्म निर्वाणम रुच्यति इति। अब देखिए अंतकाले अपि, तो माने अंतकाल में भी ब्रह्म का चिंतन करते 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 उसमें आप एक क्षण के लिए बैठ गया तो आत्मज्ञान हो गया, क्योंकि ये पर्दा स्वप्न से जगाने के लिए कितना समय चाहिए आपको, स्वप्न को अंत करने में कितना समय चाहिए, क्या प्रयास करना पड़ता है। एक रात मारा तो उठ जाए बस, अगर गुरु मारना चाहिए हमको, है ना गुरुदेव। एक बार सांदीपनी में हमारे युवा केंद्र के जो कैंप चल रहे थे बहुत साल पहले, तो उन्होंने कुछ लोग आए तो फिर मंदिर में चला गया प्रवचन, 10 मिनट की बात, तो कुछ फंक्शन हो गया तो गुरुदेव बैठे थे, तो फिर गुरुदेव ये कह रहे थे कि ये सारा ड्रीम कुछ ऐसा करके, Even though it's all a dream, sometimes you'll find some roaring tigers around you. He said. And he himself is roaring tiger. To wake you up from the long dream that you have been fallen in love with. Some tigers would come. Vedanta Simha. Gurudev kaha na Vedanta Simha kehte hain unko. Vedanta Simha. रोरिंग लायन ऑफ वेदांत। तो ऐसे गुरु स्वप्न में हमारे प्रति प्रेम की वजह से अंदर आकर एक गर्जन देता है तो वेकअप। कितना समय चाहिए आपको?
अंतकाले अपि। फिर भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि देखो फिर क्यों वक्तव्यम, ब्रह्मचर्य आदेव संन्यास, ब्रह्मचर्य आश्रम से ही जो संन्यास ग्रहण किया माने गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ को छोड़कर ब्रह्मचर्य से संन्यास जो बन गया, यावत जीवम जीवम यो ब्रह्मणीय अवतिष्ठते, और सारा जीवन ब्रह्मचिंतन ब्रह्म में ही बैठे हैं, ब्रह्मचिंतन ही उनका उद्देश्य। जैसे उसमें आता है योग वासिष्ठ में, व्हाट इज दैट, वेट एक मिनट, तत्कथनम तत्चिंतनम अन्योन्य तत् प्रबोधनम। सारा जीवन मुंह खोला ब्रह्म की बात, तत्कथनम सोचने लगा ब्रह्म के बारे में, कोई प्रवचन दिया ब्रह्म के बारे में बात करो, अन्योन्य बस घर के वरंडा के सामने बाहर बैठकर चर्चा करने लगा ब्रह्म के बारे में, तत् प्रबोधनम एक दूसरे को समझाते रहते पूछते रहते, ही बड़ा साधन है जीवन भर। तो इस तरह का जो व्यक्ति है ब्रह्मचर्य से सीधा पहुंच गया संन्यास आश्रम ले लिया, यावत जीवम यो ब्रह्मण ये अवतिष्ठते सब ब्रह्म निर्वाणम रुच्यते इति। अब इसमें क्या बड़ी बात है, माने जो अंतकाल में जो सकता है जो इसके बारे में क्या कह सकते हैं, क्या कहें, माने जीवन भर सारा जीवन इसमें कर रहे करते आ रहे हैं तो उनके लिए फिर क्या, ये तो पक्का पक्की बात हो गई। अंतकाल में भी आपको ये स्थिति मिल जाती तो मोक्ष मिल जाता, फिर इनके बारे में क्या कहें, माने पक्की है बात, पक्की हो गई। जीवन पर्यंतम ब्रह्म यावत जीवम यो ब्रह्मण यो उतिष्ठते सब ब्रह्म निर्वाण रुच्यते इति, इसमें क्या बात है, क्या करने चाहिए इसके बारे में क्या कहें, माने पक्की बात है, गारंटी है जाना। इस तरह हम दूसरा अध्याय का समापन आज भगवान श्री कृष्ण हम सबके द्वारा करवाया है, ठीक है। ओम तत्सत इति श्री महाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। तो पहला श्लोक पढ़ना चाहिए हम सबको, खोलिएगा। मैं सीधा प्रथमोध्याय में पहुंच गया, योगस्तत्कुरु करमा। अविनाशद तद्विधि येन सर्वविदं कृतं यमहं जपेन्द्रे नत्वेवाहं जातनासं नत्वं ज्ञेयते जमार्जनाधिपः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुले क्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यं उवाच मधुसूदनः। ग्यारहवां श्लोक तक पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन क्लैव्यम मास्मगम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम चक्वोत्तिष्ठ परंतपाम। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरुनः त्वा हि महानुभावान्
श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु पुरूनिहैव मुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मक्कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जयेमिषामः ते वस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापुनद्यात् यच्छोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् एव श्री सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशपरन्तप नयोत्सयति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विशीदन्तमिदम् नेक्स्ट् वन् श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॐ सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ सद्गुरुनाथ महाराज की जय।